कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओ यार इसको क्या है, ये क्यों मेरे सर पे ले आती है सुबह सुबह? यार बंद करना, क्या है यार ये, मैंने पकड़ लिया, मैंने अब देना नहीं तुझे, क्या हरकत करती रहती है पूरे दिन, ये काम है तेरा? यार ये फिर कौन ले आया है? ओ यार क्या है मामा जी, यार ये क्या ले आया यार? ये है सारे फसाद की जड़। क्यों मन्नत? खाना खराब है। ये क्या गेम है? क्या है इसको? मैं हूँ प्रो प्लेयर, ओके समझ में बात की। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उठ यार उठ, उठ मन्नत कर यार, क्या तंग कर रहे हो? ओ यार इसको क्या, ये क्यों मेरे सर पे ले आती है सुबह सुबह? गुड़ी क्यों बना रहे? यार बंद करना, क्या है यार ये, मैंने पकड़ लिया, मैंने अब देना नहीं तुझे, क्या हरकत करती रहती है पूरे दिन, ये काम है तेरा? चल मेरे साथ आ जाओ। हमारे पास एक और भी है, चलो चलो चलो। ओ यार ये फिर कौन ले आया है? ओ यार क्या है मामा जी, यार ये क्या ले आया यार? टिक लगाई सुबह से, मैं कसम खुदा के घर में तोड़ दूंगा इसको, पकड़ अपने नाम से, काम क्यों करो? जिधर देखो मोहल्ले गलियों में, तुम पूरे पूरे यार तुम कैमरा क्यों पकड़ लिया तूने सुबह सुबह? वीडियो बना रहे, ब्लॉग बना रहे? नहीं यार मुझे ये बता ना, ये क्या तुम लोगों ने बनाया पूरी? मैं जब घर से बाहर निकलो तो गलियों में यही यार लगाया हुआ, तू भी ये ले आई है, मुझे तो देख गुस्सा चढ़ता है ना। ये रात के 10 बजे सोयो और सुबह के 12 बज गए। तो रात को लेट सोया ना, कॉलेज में मैं सुबह गई नहीं जा पाया। जा पाया का क्या मतलब यार? कैमरा बंद कर, मैं रिफ्रेश होता फिर व्लॉग बनाता हूँ। सुबह सुबह मेरे दिमाग खराब कर दिया। चलो यार उठे, क्या यार कसम से माना यार, इतना मैं मजेदार सोया हुआ था। चलो यार डिसाइड पे करो यार, पर डिसाइड पे करो। बस सुनो, रात को पिंक वाला था, मैं आपके लिए लाई। पिंक वाला मेरे लिए? ये ले आई हो? मैंने से क्या करना है, ये क्या होता क्या ऐसे? पकड़ो उधर। अच्छा मैं तेरे से चैलेंज लगाता हूँ, टिक टिक जो तुमने बनाई हुई है ना, और मैं तेरे से चैलेंज लगाऊंगा। ओ ये क्या बार बात लगा है? कसम से सुबह बारिश भी हुई है बोतल, कसम से। हाँ। ओ यार मैंने मिस कर दिया, खुदा की कसम। तो गाइस फिलहाल मैंने साइज से यार पकौड़े मंगवाए हैं, मैं कह रहा हूँ ये पकौड़े लेते ना, प्यार मौसम है तो यार बारिश भी हुई है सुबह, इतना प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, पकौड़े खाते हैं, करो दोपहर खाना भी खाते हैं, दोपहर खाने का टाइम भी हो गया है, दोपहर के खाना ही खाते हैं। सुबह मैं उठा था जब कॉलेज का, मैं लेट हो गया था, मैं देखा था 7:30 बज गए, 7:30 बजे तो कॉलेज पहुँचना होता था, मैं 7:30 बजे उठा था, फिर उसके बाद मैं भी दोबारा सो गया था, फिर यूनियन आके मुझे मस्ती करके उठा दिया, फिर साइज पकौड़े लेकर आते, पकौड़े खाते हैं और दोपहर का खाना भी साथ ही खाते हैं। चलो गाइस चलते हैं। अल्लाहू अकबर। अच्छा तो साहिल यार पकौड़े लेने जा रहा है, फिलहाल साहिल पकौड़े लेके आता है, ये साहिल बाइक निकाल जा ले पकौड़े, मैं फ्रेश होता हूँ यार। नहीं मैं थोड़ी देर फ्रेश होता हूँ ना, फिर मैं जा रहा, फिर चलेंगे कटिंग कराने चलते हैं अभी, ठीक है कटिंग कराने चलते हैं, तू पहले पकौड़े वगैरह ले, ठीक है। यार मैंने साहिल को ना पकौड़े लेने भेज दिए, फिलहाल यार मौसम इतना प्यार है क्या बताऊँ यार, देखो यार आलम किस तरह से माच रहती थी, हवा चल रही है ना, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, यार तू ले मैं आता हूँ यार, चलो साहिल पकौड़े लेके आता है फिर आपसे मिलता हूँ। यार लगता है साहिल आ गए, मुझे लगता है साहिल आ गए, चलो यार पकौड़े खाते हैं, फिलहाल पकौड़े जाके खाता हूँ, मेरे तो काफी दिल कर। चलो गाइस फिलहाल यार पकौड़े वगैरह आ चुके हैं, मौसम अच्छा हो, बारिश वगैरह हो रही है तो फिर पकौड़े खाने का मजा ही अलग। हाँ तो बताओ ना पकौड़े कैसे हैं?
चटनी भी आई हुई है भाई, देख सकते हो ये भी साहिल पकौड़े, साहिल को भी साग। हाँ भाई कैसे पकौड़े अगर खाने हैं अभी, खाने भी तो खान यार, टेस्ट तो बताओ। बारिश मौसम है तो पकौड़े मैं टेस्ट करती हूं। हां दोनों भाई लगे पकौड़े। चलो गाइस मैं भी व्लॉग बंद करता हूं, मैं भी खाता हूं यार अपने पकौड़े आराम से। मेरी बारी है पकौड़ा टेस्ट करने की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजेदार। अच्छा तो गाइस फिलहाल हमने यार पकौड़े वगैरह तो खा लिए थे, फिलहाल अभी यार हम टीवी देख रहे थे। साहिल कह भैया कटिंग कराने चलते हैं, कटिंग कब से सुबह से मिल गया, कटिंग करानी है। मौसम भी अच्छा चले जाते हैं। हाँ आपके कमरे में शायद उधर ही वो देख लो, उधर कबड़ में देख लो, ग्लास वाली कबड़ नहीं उसके अंदर शायद। अच्छा तो गाइस यार चलते सीधे कटिंग कराने, पहले कटिंग कराने मैं और साहिल, फिर आपसे आके मिलता हूँ। और फिर आज मैंने साथ टिक टिक चैलेंज करना है भाई, सुबह से मेरा सर खाया हुआ है, पता नहीं कितने देर लोगों से सर खाया हुआ है, रोज करती रहती है मुझे। मैं उसको आज बता दूँ चैलेंज लगाते हैं ना, उससे बात करता हूँ। चलो फिर चलते कटिंग कराने, पहले बात करते इसको मैं कर लेता हूँ। चलो किधर हो, किधर है, किधर है ही नहीं, इधर आओ ना, मुझे बताओ क्या हुआ है। कंघी नहीं मिल रही। और यार मिल जाएगी, पहले बताओ टिक टिक चैलेंज करने के नहीं आज। फिर मैं क्यों डर गई फिर, मैंने तो कभी खेल ही नहीं, आज मैं खेल रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा फिर टिक टिक कौन, पहले मैं कटिंग कराऊँ ना, फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है मैं भी आ रही हूं। नहीं आप किधर आ रही हो, बाजार घूमने आ रही हो। चलो यार गाइस पहले हम लोग कटिंग कराएं, फिर आके काले बादल देखो गाइस, वहाँ देखो ना वो व्हाइट है ना, वो ब्लैक हो दो, वो आपको समझ आ रही होगी इधर से, मतलब देखो वो व्हाइट है, यहाँ से काले बादल आ रहे हो। सिर्फ सरप्राइज थी, तो सरप्राइज था। आप मेरे लिए सरप्राइज था, आपने कहा बादल हैं, दुआ की थी आपने, आपने दुआ की थी बादल हैं तभी हैं। और यार जल्दी बोला करो, चलो यार टिक टिक चैलेंज तो आप करेंगे। फिलहाल मैं कटिंग करा के आता हूँ। आज भाई हमारा ब्लॉग टिक टिक पे होने वाला है, क्योंकि सारे बच्चों की डिमांड होती है टिक 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 टिक। आज मैंने कहा टिक टिक बना ही लेते, चलो गाइस चलते हैं इसलिए कटिंग कराते हैं, फिर आपसे आगे मिलता हूँ। अच्छा जी तो गाइस फिलहाल अभी यार शॉवर वगैरह हमने लेना है, और फिलहाल कटिंग करा कर आ चुका हूँ, देख सकते हो दोनों एंगलों से। ये भाई फेड कटिंग मैंने अब खुद देखी है, पहले आपको दिखा रहा हूँ। साहिल ने कटिंग नहीं करवाई, साहिल अपनी बियर्ड मतलब दाढ़ी वगैरह सेट करवाई है, और कुछ भी साहिल ने नहीं करवाया। साहिल कटिंग नहीं करवाता, पता नहीं क्या, कभी करवाता भी है जो साइडों से फेड नहीं करवाता, ऐसी बस सिंपल करवा लेता है। फिर मैंने इंट्रो भी नहीं, मुझे भी याद है, चलो गाइस इंट्रो कर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोग हो तो मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। मैंने आपसे ना सही वाला नाराज होगा ना साहिल यार, ये लोग वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक ही नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते, ये क्या बात है। बिल्कुल भी क्यों नहीं करें भाई, आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि यार क्या हुआ मुझे इंटर तो करने दो, चुप कर दो फिर बात करता हूँ आपसे। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ वो आपको मिलते रहे। यार 500 तो कर दिया हमने, 1000 सब्सक्राइबर भी करने हैं, जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो। क्यों मनन बात है कि हमें 1000 सब्सक्राइब करने हैं, और मुहर्रम सफर खत्म हो जाए फिर हमने करनी है सैली वो भी 500 की करनी। हाँ हम इतना बड़ा केक लेंगे, इतना बड़ा केक कौन सा, चॉकलेट वाला क्रीम वाला, व्हाइट क्रीम वाला। तो यार जो भी होगा लेते हैं, जो हमारे नसीब में केक होगा वही लेंगे। मेरा अभी 1000 सब्सक्राइबर करने हमने, जल्दी आप सब्सक्राइब कर दो, 1000 व्यूज कर ले सब्सक्राइबर तो कर देना। ओ यार चुप कर जाओ, मना चुप कर जाओ आपको ना, नहीं यार मुझे बताओ, मैं कैमरा छोड़ देता हूँ, मेहनत भी दे देते कैमरा, मन बनाती रहेगी, लेकिन बातें यार बड़ी प्यारी प्यारी करती है मेरी बहन। पता है कॉमेंट भी आते हैं, मन्नत आपकी बहन बहुत क्यूट है, ये है वो है, पता है आपको, इतने फैंस हैं आप। नहीं अब मुझे बताओ ना, आप वो कमेंट करें चैलेंज वाले, हम जो वो आपके करेंगे। चलो यार मन्नत कह रही तो आप कर देना, जो आपको चैलेंज पसंद है वो आप कर देना, मन्नत और मैं वो कर लेंगे। ओके फिर अगर अभी शॉवर लेते हैं, हमें टिक टिक चैलेंज भी करना है ना अभी, तो वो तो कर देंगे। फिलहाल ये शॉवर लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे टिक टिक चैलेंज, खाना भी खाने दोपहर में। चलो भाई मैं शॉवर लेकर आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फिलहाल मैंने शॉवर ले लिया है और मन्नत भाई अब खाना खाने लग गई। हाँ भाई खाना खाने लगी, और क्या बने हुए हैं, चने बने हुए हैं, क्या हुआ क्यों चने नहीं पसंद आपको, क्यों इतने मजे के तो होते हैं। फिर क्या खाना है आपने, शॉर्मा खाना है, बर्गर खाना है, वजी काम है, घर की चीज़ तो पसंद आनी ही नहीं है, बस यही काम है, बाहर की चीज़ें जो गंदी बनते हैं, मिट्टी वगैरह सारी जा रही थी, धूल वगैरह। हाँ भिंडी सिर्फ आती हूँ वो तो सब्जी में, वो जो होती है भिंडी में बताते सब्जी में, भिंडी जो होती है ना वो होती मतलब मसाले वाली होती है, उसमें मतलब होता है अंदर सही मतलब मसाला वगैरह होता है, बंदों को मलमल जाता है खाने में, वो मतलब सब्जी का पता नहीं लगता कि वो सब्जी है क्या होता है, तो वो तो भाई हर कोई शौक से खा लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों का मतलब किसी को शौक नहीं होता है ना भाई। जो गंदी चीज़ें होती हैं जिंगर बर्गर ये जो होती हैं शॉर्मा वगैरह, वो इनको पहले खाने हैं, कभी घर का भी खाना खा लिया करो। ओके तो अगर फिर खाते हैं खाना,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने क्या होगा, टेस्टी हैं? आप देखो कह रहे हो टेस्टी हैं, टेस्टी होती हैं, घर की चीज़ें टेस्टी होती हैं। मज़ेदार। वहाँ कैसी हुई? मज़ेदार। फिलहाल अभी खाना खा लिया है और मन्नत क्या ले आई है? क्या आम? क्यों आम? क्यों ठंडे? मैं खास हूँ, आम नहीं हूँ। भी आम है। मैं आम नहीं हूँ, मैं खास हूँ। इसे क्या आम नहीं हूँ? शर्ट भी आम है। आम नहीं हूँ, मैं खास हूँ। ये देखो आम की तरह ही है। और यार मैं खास हूँ, मैं आम नहीं हूँ। ये क्या यार बनाया हो तुम मगर ड्रामा। मैं आम नहीं हूँ, खास हूँ। ठीक है, समझ आई बात? चलो यार खाते हैं आम। चलो यार आम ही हो, ठंडे ठंडे आम। चलो गए खाते हैं। अम्मा आम काट रही हैं और मन्नत इधर टिक टिक खेल रही है। अभी चैलेंज लग रहा है, चैलेंज लग रहे हैं, टेंशन ना लो। अभी चैलेंज लग रहे हैं, टेंशन ना लेनी आपने, ठीक है? ये मेरे टिक 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 अपनी पिंक वाली से खेलो। ओके, समझ आई बात? अभी ये प्रोफेशनल बंदों को होते हैं यार, आपको पता ही नहीं है। साहिल कसम से आम खाने शुरू भी हो गया। बंदा पहले मेरे पूछ लेता यार, तू आम पहले खाने लगा। बड़े यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा यार मैं मेरे ओ मेरा आम मेरा मैंने मन्नत को उठा लिया, मैंने आपको उठा लिया, कोई मसला तो नहीं है? चलो यार मन्नत कितनी प्यारी बहन है मेरी। कैमरे की बात मसला होगा, कैमरा बंद होगा क्यों? मन्नत नहीं मसला होगा कैमरे के बाद, मन्नत तेरी तरह नहीं है। ये मिठास और ठंडा आम, ऊपर से बहुत ठंडा मौसम, क्यों साहिल मजा नहीं आ गया? अब हम इनके लेके जा रहे हैं आम के छिलके, इनको आम बहुत पसंद है, ब्लैक ही ब्राउनी। दरवाजा करते हैं बंद। आ जाओ भाई, आ जाओ। फिर प्यार लकड़ी लगी है, अब फट जा, दे देता हूँ पीछे फटो। और जो हर जिसकी वजह वो भाग के आ रहे हैं पीछे, चूहे भी भाग के आ रहे हैं। कैसे हो, बड़े दिनों बाद व्लॉग में आ रहे हो। यार कितना दिक्कत देगी ब्लैक ही हैं, कितना दिक्कत देगी मुझे। दे देता हूँ, ये लो खाओ खाओ। चलो इनको बहुत पसंद है ना आम। ये पकड़ो प्लेट, प्लेट पकड़ लो। बहन नहीं हो पर खेलेंगे तो बस वो भी खेलने देना। चलो जल्दी करो, तो खेलेंगे ना पहले टिक टिक तो खेलने दो। मैं चलो इनको खाने देते आम। आओ पहले तू पहले आ, टिक टिक करो, मैं खेल गए। बहुत हो गया, सुबह से टिक टिक बोल ही जा रहा हूँ बस। मैच और तेरे से लगाता हूँ, इसने ड्रामा बनाया, बहुत दिन हो गए टिक टिक, आज इसका मैच हो ही जाए। चलो चलते हैं अब। चलो जी चलो 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 भागो भागो। ओफ लो, चलो चलो वो दरवाजा क्यों खुला हुआ है? गेस्ट रूम पर जल्दी करो। चलो तेरे तूफान ही भी ऊपर से मर गिर गई है, देखो तो यार उसका दरवाजा बंद करते हैं। तो ऐसे गेस्ट रूम खुला हुआ है, कोई भी नहीं, देखो फिर मैच खोला हुआ है। इतना तेज तूफान आते हैं, मिट्टी बनाना आए, तूफान भी आया था थोड़ा सा तो आया था नहीं। ये देखो तभी तो गिर गया, ये देखो सारा सब सती नाश होगा, अभी नहीं लगवाना पड़ेगा हमें। चलो यार चलो 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 भी सही। ओ अब टिक टिक चैलेंज कर, अब बात है भाई सारी नमाज पढ़। और ये है हमारी टिक टिक, आ जा। ओ मिक्स हो गए सारे, आप क्या करें? चलो मेरे रूम में चलो, आओ टिक टिक चैलेंज करें। चलो जी अब इस करते हैं टिक टिक चैलेंज। क्या हो गया? चलो हाँ खेलें, सारा खराब हो गया। सेट करो, उठो मैं सेट करूँ, उठो उठो ना, मैं सेट करूँ फिर। बहन भी ऐसी कसम से देती नहीं है। चलो यार इसको सेट करता हूँ, फिर इसके साथ चेंज लगाते हैं। ये है सारे फसाद की जड़, क्यों मन्नत? अब भाई ये है हमारा टिक टिक, मन्नत के पास भी टिक टिक है, हमारे पास भी टिक टिक है। हाँ ओए क्या मसला है, क्या मसला है, कौन तुम? पठान। खाना खराब। और खाना खराब है, क्या मसला है तुम्हें? ये कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
यहाँ पे घर है। हाँ यार उनको सामने घर है ना। क्या है खाना खराब? बच्चों क्या मसला है? क्या मसला है? तंग करके रखा हो। चलो यार टिक टिक गेम खेल। सो आई एम रेडी टू डू अ चैलेंज विद मन्ना। टिक टिक चैलेंज ये गेम है भाई जो पाकिस्तान में वायरस फैला हुआ है। ये गेम है ये गेम है। ये क्या है? ये क्या इस मतलब होता क्या है चैलेंज करने में? सर हो जाए फिर चैलेंज, जो ज़्यादा देर तक करेगा वो जीतेगा। चलो फिर ठीक है। मिलेगा क्या? सो क्या मिले? कुछ नहीं। मैं लगाना ही नहीं है कुछ। अच्छा सर मैं बताता हूँ, इधर हो। मैं बताता हूँ, जीतना तो मैं नहीं है। अगर मैं जीता तो ये आपको फेंक देने, आपने ये फेंक देने। अगर आप जीती तो मैं आपको बोतल पिलाऊंगा। बोतल मैंने भी नहीं, बोतल तो मैं ही लेके आती हूं। फिर क्या लेना? मैंने फोन चाहिए। फोन यूज करने के लिए, कार्टून देखने के लिए, फिर गेम करने के लिए। गेम करने के लिए? अच्छा ठीक है, गेम खेलनी ऊपर। चलो मिल जाएगा फोन। फिर आओ मैं चल। तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा बहुत होता है। नहीं नहीं भाई नजर कमजोर लग, आधा घंटा बहुत होता है। चलो भाई चैलेंज शुरू करते हैं, आधा घंटा बहुत है। ठीक है चलो। अब होने जा रहा है शुरू हमारा टिक टिक चैलेंज जो मोस्ट पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। और भाई अभी शुरू हो गया, चलो आ जाओ। हाँ भाई सर तुमने भी करना है? तुमने भी करना है? चला चल साइक से नहीं करते बच्ची सर कर लेना। जरा भी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है। ओ फोन के ऊपर लग रहा है यार, क्या कर रही हो? ऐसे कैसे फोन घुमाता है? खेलने आते नहीं है, खेलने नहीं आते इसको तो। यूं खेलते हैं सिर्फ इजी। अब मैं करता हूँ शुरू। ये क्या, ये क्या गेम? ये क्या है? ये बस ये करना होता है, बस ये करना होता है बस। तो इससे क्या फायदा होता है? पूरे जो आप पूरे दिन बच्चे ही लगे रहते हैं पाकिस्तान में, मुझे बताओ इसका फायदा क्या है? लेकिन 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 नहीं लेकिन एक बात सुनो, फायदा मुझे कुछ नहीं कह सकता। बच्चे थे, बच्चे होते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे तो अपनी मर्जी करते हैं ना, जो उनको चीज़ पसंद आती है। चलो ये भी एक गेम है, कोई नहीं खेलते रहे तो इससे क्या, अच्छी गेम, इतनी बुरी भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अब हम बड़े हो गए, हमें तो ये चीज़ें पसंद नहीं है। जब हम छोटे थे हम, हाँ आपको पता है मुझे, आप छोटी हो ना, जैसे हम छोटे थे हम भी देते थे, मतलब हम भी काफी पिस्टल वगैरह लेकर आते थे। मैं और सर जब छोटे थे ना हम लोग काफी खेलते थे ना सर, याद है ना तुझे? अब यार इनकी उम्र है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो गेम आई है तो खेले। बात तो सही है। अच्छा हाँ ये ठीक है, लेकिन ये गेम तो इतनी ईजी, आप गलत खेलती हो। ये मुझे खेलना होता है, मतलब इसको हल्का ऊपर करना होता है ना, ये होती है ये गेम। आप गलत खेलती हो ठीक है ना। आपने बच्चों को देखा जो उनके पास, आपने भी फल ले लिया है। चलो यार मन्नत की अलग ही फेमस हो गई पाकिस्तान में। हाँ अच्छा, बच्चों को छोड़ के इसको तो फेंको ना, बच्चों को छोड़ के ये जो टिक टिक गेम है, ये बच्चों को छोड़ के तो बड़ी भी काम करते हैं। अगले दिन पापा मुझे, अगले दिन पापा मुझे क्या कह बताए स्टोरी, मैं आपको बताता हूँ। पापा ये स्टोरी बता रहे हैं, अगले दिन मैं गए होटल में ना, होटल में पापा गए थे, कोई मतलब चाय खाना वगैरह खाने जाऊँगा, होटल में गए थे किसी काम से ना। चो जब गए तो कह रहे हैं मैं होटल में गया तो आगे बंदे भी पकड़ के खेल थे, जो होटल वाले ओनर होते इतने बड़े बड़े वो भी खेल थे। तो फिर मना जैसी बच्ची क्या कसूर है, पता नहीं क्या होगा यार किसी को यार, जो इसके हाथ में देखो वही है। हाँ अगले दिन मम्मा ने बताया एक बड़ी बड़ी, वो आपको बताया क्या? अच्छा मम्मा वाली बात कह रही हो। हाँ मम्मा गई थी ना पार्लर में काम करवाने, तो मम्मा गई पार्लर में तो वो एक आंटी थी बूढ़ी सी, बूढ़ी बहुत बूढ़ी, उनके पास भी था, वो भी खेल थी गेम। क्या भाई मतलब क्या बात हुई यार, ये अलग ही दुनिया, मतलब दिमाग खराब हुआ यार, इतने बड़े लोग भी खेलते हैं। वही तो मैं सोचते चलो यार कुछ नहीं, तो जो खेलते हैं उनके अपने मसले होगा, हम क्या कह सकते हैं, अपनी हर किसी की अपनी लाइफ अपनी मर्जी होती है। फिलहाल जाते हैं मन तर में खेलें बास्केटबॉल खेलने जाके, मैं तो बोर हो रहा हूं काफी, ये मुझे नहीं पसंद है। ठीक है चलो बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, एक के लिए एक चीज के लिए ठीक है। क्या? ओ अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अब मैं खेल नहीं रहा हूं। टिक टिक ओए 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 पकड़ लगेगा, ले चले चल चल बास्केटबॉल खेलें। बदला लिया मैंने। चलो अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, बस बहुत सही। चलो बास्केटबॉल खेलो। चलो गाइस चलते हैं। गाइस मैंने तो टारी मेरे मजाक, अभी मैं बाहर ही हूं ना, कहते आपने किए तो नहीं, आपने ब्लॉग के बनाया आपने, ये की तो है ना सही। मेरे हाथ में बेटू कैमरा था ठीक है ना, मैंने उसको कैमरा पकड़ा दी, कैमरा सही पकड़ना है ठीक है, अगर ब्लॉग गंदा होगा ना फिर मैं ऊपर बताऊंगा। अच्छा तो ये है भाई, टिक टिक अब मैं आपको करके दिखाता हूं, इतना इजी गेम है ये। क्या मैंने कैमरा पकड़ा था, मैं फोन नहीं रहता, ये देखो क्या है इसको, मैं हूं प्रो प्लेयर ओके, समझ ली बात की? ये देखो मैं इसको पूरे दिन लग रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। हाँ,
क्या है कि नहीं आता फिर मेरा क्या कसूर है? वो मेरा हम कह रहा था ना वैसे मेरे से हुआ नहीं था ये तो मैं इतनी गेम है पूरे दिन लगा रहा हूँ कुछ भी नहीं है इसको क्या तुम्हारे मुंह नहीं आ रहा टिक टिक करते रहनी बस चलो चले यार बस बोला बाबू बार के लिए हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ये बकेट तो अभी चलते हैं सीधा एक और चीज हाँ हाँ वो भी वो हमने एक नया मतलब नई स्ट्रेचरी लगवाई हमने है ना वो तो भाई अलग हमने सीन किया बास्केटबॉल खेलने के लिए हमने एक अलग ही सीन किया मन तो साइड जा रहे हैं फिलहाल मैं वो उठा के चलता हूँ सीधे चलता हूँ सीधे उधर चाचू ना घर ना हम लोग खेलते हैं बास्केटबॉल भाई बड़ा यार बहुत भारी है खोलो 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 दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो चूचे खुले हैं मैं आता हूँ जल्दी करो अंदर करो अंदर करो अंदर करो अंदर करो बकरी बाहर आ जाती सारी ये भी दोनों बाहर आ गई हैं पता नहीं क्या दरवाजा खोलता जाए तो ये मैं इतने मुश्किल से जा रहा हूँ यार ओए होए ये उठा ली मैंने ये देख सकती हूँ अब ये लगेगा इधर ठीक है ना ये इधर लगेगा और फिर अभी अजान हो रही है अजान के बाद ब्लॉग बनाते हैं इसके अंदर से बॉल निकालो ना ये बॉल निकालो मैं उसके ऊपर रख देता हूँ उस डंडे के ऊपर अब रखता हूँ इसको ब्लैकी ब्राउनी वाइटी तुमने भी खेलना बास्केटबॉल चलो यार मैं इसके ऊपर रखता हूँ अच्छा गाइस फिलहाल मैं इसको ऊपर रख दी देखो इस तरह ऊपर रखने का और अब हमारी होंगी बकेट बकेट्स होंगी हमारी ओए अंदर जा रही है पकड़ो यार अंदर चली गई है वो देखो अब ऊपर हो गए ना मतलब बिल्कुल असल जैसे हमारे बास्केटबॉल कोर्ट में ऊपर होते हैं रिंग इसी तरह ये भी ऊपर हो गया अभी ये मजा आता है हम लोग ने इस डंडे के ऊपर रख लेते ये हमारा पोल बन जाता है ना मैंने खुद किया था पोल बन गया था आपने कहा था चेयर के ऊपर रखो मैंने ये आईडी लगाया था मैंने कब पोल बन जाएगी ये हमारा पड़ोस है ना ये हम लोग इसके ऊपर अपने कपड़े वगैरह रखते हैं ना हमने इसके ऊपर ये रखी हुई हमारा बास्केटबॉल पोल बन गया बॉल लेके आओ ना यार बॉल भी ले आओ यार आप अंदर ही खड़ी हो ये मुझे देखती रहती इसकी मेरी दुश्मनी पर्सनल पिछले व्लॉग में इसको मैंने मारा है इसकी पर्सनल दुश्मनी है सब बन गई है ना इसलिए मैं बकेट करूंगी यार बकेट करने दो मुझे ये होगी हमारी बकेट उस दिन आपको क्या सरसी दिखाई थी फिंगर से वाटी ने लगा दे ओ वाटी ने लगा अगेन 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 ट्राई अगेन ट्राई अगेन हाथ में नहीं आ रही यार लगाना मैच हाँ भाई इसके साथ मैच होगा चलो यार आज का मैच करते हैं हो जाए मैच आज उतारने का तरीका इस तरह ये है कि इसको दोबारा उतारना पड़ेगा मैं नीचे और बॉल निकालनी पड़ेगी ओ यार तुम लोग भी हेल्प करवा दो ये लो बॉल आ गई नीचे अब बकेट होगी ना हमें इसी तरह करना पड़ेगा बकेट को उतारना पड़ेगा यही मसला है ना अगर असली बस बॉल कोटो से नीचे आ जाती मतलब नेट से नीचे आ जाती बॉल अभी ऊपर रखते हैं चलो ये साहिल भाई अब खेलने का मेरे से मैच हाँ भाई हो जाए मैच मैच खेलने छोड़ किसने का मारने को ट्राई करे तो वैसे ट्राई किया मुझे दोबारा उतारना पड़ेगा यार फिर मैच शुरू करते हैं यार हाँ मैं वाइट के साथ दुश्मनी करेंगे नहीं 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 उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी वो लड़ा फिर ऐसे में लड़ेगा ना कर मन वो लड़ना शुरू हो जाएगा फिर ऐसे नहीं करना चलो यार अभी उसको ऊपर रखना और साइड से मैच लगाते हैं मैंने फिर से ऊपर रख दिया अब छोड़ना मारी अब छोड़ना मारी मैच में लगेंगे छोटे मैं तो ये लगा भी जाऊँगा बाजू खराब है खराब अब रो क्यों रहे हैं रो क्यों रहे मैच में डर गए जब भी मैच में से डर जाते पता नहीं कहते ना भी यार मैं प्लेयर नहीं गाइस गाइस मैंने इसको सिखाया है तब ये इससे डरता है कम देखो शॉट मारने आती नहीं है मुझे सिखाया उसी की अपनी मेहनत है मेरी एक हाथ में कैमरा नहीं तो मैं ऐसे बताऊं ना छोटे मार मार के बताऊं इनको कैसे छोटे मारता हूं रोनी तू कैमरा पकड़ लेगी ओ यार ना कर चलो यार वेबसाइट से थोड़ा बास्केटबॉल खेलते हैं मैंने आप शूट करो ये लो मोबाइल अच्छा जी क्या शॉट ही मारनी तो इधर से तो मैं डिफेंड करूंगा फिर अगर मारूं मैं डिफेंड करूंगा दूर से मारेंगे बाजू दर्द कर रहा है पकड़ो क्यों दर्द कर रहा है चल गए अभी सही से थोड़ा मैच खेलते हो बास्केटबॉल फिर आपसे मिलता हूं यार मन ने बैट बॉल भी ले आई है मन करी बैट बॉल खेले लेकिन यार तो कीचड़ बनाऊं कैसे खेल सकते बैट बॉल ना हैं नहीं खेल सकते कीचड़ बनाऊंगा बास्केटबॉल ठीक है मन हम बैट बॉल नहीं खेल सकते बाजू खराब है वैसे मौसम तो भाई पूरा दिन ऐसे ही रहने पूरा दिन ऐसे ही मौसम रहने आज तो है क्यों ब्रोनी मजा आ रहा है मेरी ब्रोनी का मजा आ रहा है आज है इतने प्यारे मौसम बना हुआ कसम से इतने दिनों बाद चलो यार खेलते हैं यार बास्केटबॉल ही हम बैट बॉल नहीं खेल सकते हम बैट बॉल नहीं खेल सकते क्यों सर चलो यार बास्केटबॉल कसम से है ब्रोनी नहाया था आपने बॉल खानी है क्या छोड़ दो हमारी बॉल भाई जान ये ऑरेंज नहीं है ये ऑरेंज बॉल है कलर उसका इस तरह है क्या पता नहीं हरकतें करते रहती है ब्रोनी भी मन की तरह है बिल्कुल मन जैसी है ब्रोनी
चलो यार मैं ना बास्केटबॉल ही खेलेंगे यार, और कुछ नहीं कर सकते। ओए होए यार फोन होना हाथ में फिर सही तरह छोड़ नहीं लगती बात तो सही है। वो बोलेगा फिल्म देख रहे हैं, वो फिल्म देख रहे हैं बोलेगा क्या कर रहे हैं हाय मैम। चलो यार मैं किसी में खेल टीचर टीचर क्या काम करने मैम मैंने जो मेरी मर्जी में अच्छी वो छुट्टी भी दी ऐसा नहीं रोने लगी थी मैंने कहा आपसे खेल लेता ना मैंने अच्छा यार हम लोग बस वो खेल कर आ चुके थे। अबे यार कैसी फिल्म है यार सही वी एफ एक्स लगे हैं टीचर का डंडा ये पड़ा हुआ है टीचर ये बैठे हुए हैं टीचर का काम ये पड़ा हुआ है। चलो यार फिर थोड़ा खेलता हूँ ये भाई मुझे पूरे दिन खिला के रखती है फिर खेलता हूँ सीधा फिर ऐसे मिलता हूँ फिर हमने प्ले एरिया भी है प्ले टाइम भी है प्ले ग्राउंड भी है ब्रेक टाइम मुझे ये मिलेगा अच्छा अच्छा कुछ हाल नहीं है भाई पूरे दिन मेरे ये सर खाली रहती खेलो 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 बैटमैन वाह भाई वाह। चलो यार यार क्या टीचर है बस हर बात में मारती रहती हो टीचर ये कैसी टीचर हो यार। अच्छा सॉरी अब नहीं अब हाथ नहीं भाई बड़ी जोर का लग रहा है नहीं 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 चलो गाइस इसे थोड़ा सा खेलता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। यार रात हो रही है और रात तकरीबन बज रहे होंगे तकरीबन 9:00 बज रहे हैं फिर यार मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो तबीयत सेट नहीं है मेरी यार मैं व्लॉग जितना मेरा हो चुका है मैंने इतना ही बनाया है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई आई डोंट नो कितना व्लॉग हुआ है 20 मिनट्स का हुआ 15 मिनट्स का हुआ 25 मिनट्स का हुआ है आई डोंट नो भाई कितना हुआ कितना नहीं हुआ जितना भी है बस अब इतना ही काफ़ी है फिर कभी बनाऊंगा यार व्लॉग। और यार बातें भी कॉलेज वगैरह अभी ये कॉलेज से छुट्टी होनी कल लास्ट डे कॉलेज में फिर आगे छुट्टी होंगी फिर हमने 15 अगस्त से कॉलेज जाना है ना तो फिर बाकी मैं व्लॉग बनाता रहूँगा छुट्टियों में। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो का यार फैमिली मेंबर्स रिश्तेदार और सारे जो फ्रेंड्स वगैरह आपके उस सब के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और यार हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल मैं इसको कहता हूं ये पर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गुड बाय।